व्लॉग्स नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है और आज हम जा रहे हैं गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नर्सरी में गए थे कुछ प्लांट्स और पौधे लेने, पर वहाँ पे हमको वो जो मैंने आपको गोल्डन साइ मेरे को गोल्डन नाम नहीं याद आ रहा था, वो गोल्डन साइप्रस है। तो गोल्डन साइप्रस और एप्पल बोर्ड जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये पापा कल गए थे दूसरे नर्सरी में और वो लेके आए, हम जा नहीं पाए। पापा ही लेके आ गए, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से है। तो गाइस ये है वो प्लांट, ये दो है, ये है एप्पल बोर और ये तीन जो है, इसमें तो दो है जो दो वो है गोल्डन साइप्रस और एक है ग्रीन साइप्रस। तो ये एक साइप्रस यहाँ लगेगा और एक साइप्रस यहाँ लगेगा, इसको हटा दिया जाएगा और एक यहाँ लगेगा और एक वहाँ लगेगा, दोनों जगह खाली है तो ये पूरी हो जाएगी। तो गाइस मैंने कर लिया है बात और अभी प्लांट्स और ट्रीज लगाने का काम शुरू हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी खुदाई करनी है और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे साइड। तो अभी इतनी मेहनत करने के बाद इतना ये हमने खोद दिया है अंदर गहरा, और अभी इसमें ये मैन्योर जो है ऑल नेचुरल प्लांट फूड ये डालेंगे और ये इंसेक्टिसाइड है इसको पानी में मिक्स करेंगे। तो वसना जो मिक्स कीजिए, ये अंदर मिक्स कर रहे पानी में। तो अभी ये मैन्योर जो है ऑल नेचुरल प्लांट फूड ये अंदर डाल रहे हैं। ये जो साइप्रस का पेड़ है, ये क्या नाम है, पहले जो था वो कम से कम 20 फुट लंबा था, लेकिन कुछ यहाँ की बारिश आई और उसके साथ में तूफान भी बहुत ज़ोर से था तो वो गिर गया था। तो धीरे धीरे फिर उसको खड़ा किया और फिर ये जल के नष्ट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में दूसरा भी ख़त्म हुआ, अभी ये नया पौधा लाया है तो ये आज साल दो साल के अंदर में ये भी ठीक हो जाए। ये बास्केट से निकाल दिया और इसको अभी ये डाल रहे हैं अंदर। अभी अखाड़े में पापा आ गए। Later. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. जा रहे गौशाला पद्मेड़ा, पद्मेड़ा जाएंगे या नंदगंव जाएंगे, क्योंकि दो जगह गौशाला है तो हम दोनों में से कोई एक जगह जाएंगे। वहाँ जहाँ भी जाएंगे मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो वर्ल्ड की और ये वर्ल्ड की ये पूरी सबसे बड़ी काउ शेड है, वहाँ पे लैक्स ऑफ काउज है, मैं वहाँ जाके आपको पूरी फैसिलिटीज़ दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी काउ है। और गाइज़ अभी बारिश के कारण मौसम वैसे बहुत अच्छा है, ठंडा है। हम सोच रहे थे वो मेजर जीप लेके जाए, पर अभी हम अपना ये जो पैक गाड़ी है एसी वाली वो लेके जा रहे हैं। और 10-15 डेज़ बाद मैं कलकत्ता जाऊँगा, तो वहाँ भी जो टूरिस्ट प्लेसेज है, अच्छी प्लेसेज है, वो आपको दिखाऊँगा, मतलब इंटरेस्टिंग प्लेसेज, आपको मज़ा आएगा देखने में। और अभी राजस्थान में हूँ 3 महीने से, तो ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब जहाँ तक मैं जा सकता हूँ और मतलब जो जो आपको प्लेसेस दिखा सकता हूँ वो आपको दिखाओ।
तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गौशाला जा रहे हैं, पर बीच में हमको रास्ते में कुछ बारिश के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, यहाँ ये है रास्ता, पर यहाँ से अभी हम जा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है अभी हम, पर रास्ता ये एक ही है। तो सोच रहे अभी हम कि यहाँ से या तो चल के जाएंगे या तो फिर हम जाएंगे कोई दूसरे मंदिर में। तो जहाँ भी जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो रोड ख़राब था, उस वजह से हम वो गौशाला में जा नहीं पाए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम कोई दूसरा मंदिर में जाएंगे, पर एक दो मंदिर में गए तो वो भी अभी सब बंद है। सब बोल रहे एक तारीख के बाद खुलेंगे। तो सॉरी आज के लिए, मेरा व्लॉग्स अगर आपको अच्छा ना लगा हो, पर अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियोज़ देखिए और ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ट्राई करूँगा कि अगला वीडियो और कहीं दूसरी जगह जाऊँ और आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।